छोटे मोटे विवाद अब थाना स्तर से ही समस्या का समाधान होता दिख रहा है, कई समस्या का समाधान भी हुआ है। इसी क्रम में दरभंगा रैक पॉइंट, जो रेलवे का रैक पॉइंट है, बेला में अवस्थित है, मजदूरी को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था, उसी को लेकर कई बार वहां आपस में विवाद भी हो गया, उसी विवाद का निपटारा हुआ आज विश्वविद्यालय थाना पर। आरपीएफ इंस्पेक्टर एवं विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष, ठेकेदार एवं मजदूरों के बीच हुआ आपसी समझौता। लोगों ने कहा कि अब हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, हम लोग जिस तरह से पहले काम करते थे उसी तरह से काम करेंगे। इसी को लेकर विश्वविद्यालय थाना में आरपीएफ इंस्पेक्टर, विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष, ठेकेदार एवं मजदूरों के बीच में हुआ समझौता, हुई पंचायत, सभी ने मानी बात, कहा कि पूर्व की तरह कार्य होते रहेंगे। लोगों ने क्या कहा, क्या समस्या का समाधान हुआ, सुने दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। देता है हमको तो 3 रुपया 60 पैसा तुम ले रहे हो, नहीं देख रहे हो, वो नहीं देख रहे हो, 1 रुपया तो 10 पैसा है, 40 तक लेबर को मैं 4300 रुपया देता हूँ, 4300 रुपया देने के लिए तैयार है। जिस आदमी को जिस दिन अपना ऑथराइज चुने लेबर, हमारा काम खत्म करे, मैं अपना पैसा ले, वो अपने घर, मैं अपने घर। अब कितना दिन इंदा घर आ गया था कल, आज आप लोगों की बैठक थी थाने पे, क्या फैसले लिए गए? फैसले थाने प्रभारी और इंस्पेक्टर साहब के मैं धन्यवाद देता हूँ, आप पत्रकार मीडिया का बंधुओं का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने इस पर जागरूकता दिखाते हुए कुछ मसला आगे नहीं बढ़ने दिया, शॉर्ट आउट कर दिया एक दिन के अंदर। मसला थोड़ा सा मनभिग लेबर थे, दूसरे के बहकावे में आके वो कोर्ट में चले गए केस करने के लिए, पैसा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि पैसा का आपका हिसाब लाइए, हिसाब लीजिए, हिसाब दीजिए। सारे आदमी ने उन्होंने फैसला किया, फैसला में हुआ 2,70,000 रुपया हमने यहाँ निकला था, मैंने 2,70,000 का चेक काट के दे दिया हूँ, आशी को बोला हूँ कि जज आज काम करो और आज का आज पैसा लेके आप लोग जा सकते। अब आगे कोई विवाद नहीं, आज कोई विवाद नहीं। किनके द्वारा मामला का सेटअप किया गया? ये इंस्पेक्टर साहब हैं, आरपीएफ इंस्पेक्टर साहब ब्रजेश बाबू, खानादेश महोदय सतप्रकाश बाबू और आप तमाम मीडिया बंधुओं के द्वारा हुआ। क्या आप संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल संतुष्ट है सर। परिचय दे दीजिए, क्या मेरा नाम सुमित कुमार सिंह उपमुंडा सिंह है, लेबर सरदार हूँ मेला रैक पॉइंट पर, बिलबेला रैक पॉइंट पर मैं व्यापारी प्रतिनिधि हूँ। थैंक यू। बेला रैक पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जो हमारे 10 रैक का पैसा फंसा हुआ, जो मुन्ना भैया रुकाए थे, आज मुन्ना भैया खुद विचार कर सारे आदमी के बीच में और हमारे चेक के माध्यम से पैसा दे दिए हैं और इससे हम लोग खुश हैं। और पिछला कुछ हिसाब है जो अपना बैठ के एक साथ विचार करें। अभी भी आप लोग का कोई विवाद है? नहीं, अब विवाद नहीं है, हम लोग जैसे अभी विचार हुआ है उस विचार से सहमत हैं, पैसा मिल गया उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। मुन्ना जी कौन है? मुन्ना जी हमारे रैक कॉन्ट्रेक्टर हैं। आप कौन है? हम रैक पर ही 9 बक्सा के हमारे हाथ में 9 बक्सा के जो आदमी है, वो हमें सबूत किए हैं कि एक आदमी पैसा मुन्ना भैया से लेंगे। आप रैक पॉइंट के लेबर हैं? लेबर है, लेबर है, जिसमें हमारे 9 बक्सा के आदमी हमको चुना है कि पैसा यही का माध्यम से हम सारे लेबर मेट हुए हैं। लेबर मेट मैन मुन्ना सिंह है और हमारे 9 गैंग का आदमी, 9 बक्सा के जिसमें 58-42 हैं, क्या कहते हैं, 12 बक्सा के आदमी हमको चुने हैं, जो मुन्ना सिंह से पैसा लेकर हम अपना लेबर में पेमेंट। मुन्ना सिंह से कोनो पैसा का लेन देन या कोनो विवाद भी है? अब नहीं है, अब सब मैटर होगा, अभी क्लियर होगा। क्या नाम हुआ? कुछ पैसा हमारा पिछला बाकी है, जो स्टेटमेंट निकालते हैं उसके साथ बैठ कर मुन्ना भैया साथ हम लोग हिसाब करेंगे। मेरा नाम हुआ हरे राम यादव। अभी कहाँ आप लोग आए? अभी मिथिला यूनिवर्सिटी थाना पे आए हुए हैं। समस्या समाधान हो गई? जी समाधान हो गया। कल दिनांक 29/1/2022 को दो पक्षों के बीच में बेला रैक पॉइंट पर कुछ विवाद हुआ था, जिसे लेकर आज विश्वविद्यालय थाना में एक मीटिंग बुलाई गई थी, दोनों पक्ष की बात को सुना गया और यथा उचित निर्णय लिया गया और दोनों पक्ष जिससे सहमत हैं। निर्णय क्या लिया है वो बताइए ना। निर्णय के जो पहले से व्यवस्था थी, लेबर को पेमेंट जो रैक हैंडलर के द्वारा दिया जाता था वो पहले जैसे ही दिया है। लेकिन ये विवाद तो बहुत पहले से चल रहा है, कल उग्र हो गए थे लोग। कल कुछ लोगों ने आपस में उग्रता दिखाया था, लेकिन समझा बुझाकर स्थानीय थाना के द्वारा मामला को शांत किया गया था। आज उसी संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी और दोनों के पक्ष को मैंने सुनते हुए समझते हुए जो सही निर्णय है वो किया गया, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट। परिचय था, ब्रजेश कुमार इंस्पेक्टर आरपीएफ दरभंगा।
रैक पॉइंट पे रैक हैंडलर है ना, उसके जो लेबर है उनके बीच का जो विवाद था, संदर्भ में आज बैठक किया गया दोनों पक्षों को बिठा कर, इसका समाधान सहमति से हो गया है, दोनों पक्ष अपना अपना मान गए हैं और आगे से अब रैक पे सड़क जो भी समस्या का समाधान हो गया, सभी व्यवस्था से जो पूर्व पे चल रही थी वो चलता रहेगा।